अगर ईमानदारी से इस बात पर चर्चा की जाए तो इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तो इस बीच में आपस में बात ना करें, घड़ी में देख लें 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 15 मिनट आप और हम बात आपस में करेंगे। आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए, इसके जवाब को तलाशने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने देश के साथ जो वायदे किए थे यूट्यूब से उनके भाषण निकालकर उनके भाषणों को आपको सुनना चाहिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारे प्रदेशों में जितनी भी पार्टियां सत्ता में हैं, आपको उन सारी पार्टियों के उत्तर प्रदेश सहित जो जो पार्टी सत्ता में है आपको उनके चुनावी घोषणा पत्र को निकाल के पढ़ना चाहिए। और चुनाव से पहले उनके बड़े बड़े नेताओं के चुनावी सभा में जो जनता के साथ वायदे किए गए थे उनके उन भाषणों को सुनना चाहिए। और फिर आपको ये देखना चाहिए उन पार्टियों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने जनता के साथ चुनाव से पहले जितने भी वायदे किए थे उन्होंने अपने कितने वायदे पूरे किए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई उन्होंने आपके साथ वायदे किए थे, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आपके वोट को मांगा था, आप लोगों ने उनकी बात पे भरोसा करके उनको जिता दिया और जिताने के बाद उनको सत्ता में आए हुए सालों बीत गए, क्या उन पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता से किए हुए वायदों को पूरा किया या नहीं किया? अगर उन पॉलिटिकल पार्टियों ने जनता के साथ जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे अगर उन्होंने वो वायदे पूरे किए हैं तो आप लोगों को उन पार्टियों के साथ जुड़ना चाहिए, उनको ताकत देनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे और उन्होंने वो वायदे पूरे नहीं किए हैं तो ऐसी पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। उसके साथ साथ 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, हमारे नेताओं ने भी चुनाव से पहले अपने भाषण में दिल्ली की जनता से वायदे किए थे। आप हमारे आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ लो और जो वायदे हमने दिल्ली की जनता के साथ हमारे नेताओं ने अपने भाषण में किए थे उनके भाषणों को यूट्यूब से निकाल के सुन लो और उसके बाद तुलना करके देखो कि देश की कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने लोगों के साथ किए हुए अपने वायदों को ईमानदारी से पूरा करने का काम किया है। आपको देश के अंदर केवल एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी मिलेगी जिसने जितने वायदे घोषणा पत्र के अंदर किए थे, जिनके नेताओं ने अपने भाषण में जितने वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, केवल आम आदमी पार्टी ऐसी मिलेगी जिसने अपने वायदों को पूरा कर दिखाया है। हमने कहा था चुनाव से पहले हम बिजली के दाम आधे कर देंगे और 30,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त में देंगे,
आम आदमी पार्टी देश की नहीं दुनिया की पहली पार्टी है जिसने चुनाव जीतने के एक सप्ताह के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए और पानी 20,000 लीटर मुक्त कर दिया। हम लोग जो कहते हैं हम वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो आंख में आंख मिला के बात करते हैं और जो वादे करते हैं उस वादे पर खड़े उतरते हैं। एक और खूबसूरती है उनके अंदर, अरविंद जी जो वादा करते हैं वो तो निभाते ही हैं और जो वादा वो नहीं करते उसको भी निभाते हैं। उन्होंने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, हमने कर दिया। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन हमने 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी। आज मेरठ की रैली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ एडवांस में एक वायदा कर दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनेगी तो आपके जिस तरह दिल्ली के लोगों के लिए बिजली की एक सीमा तक फ्री में मिलती है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बिजली एक सीमा तक फ्री में मिलेगी। तो आपको कैसा नेता चाहिए, काम करने वाला चाहिए या झूठे वादे करने वाला चाहिए? काम वाला चाहिए ना। तो 2014 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त चुनाव के टाइम से 6 महीने पहले से देश के तमाम मीडिया चैनलों पर जब आप लोग कोई फिल्म देखते थे या कोई समाचार सुनते थे तो हर 5 मिनट के अंदर एक ऐड आता था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आता था या नहीं आता था? बहुत हुआ महिलाओं पे वार अब की बार मोदी सरकार, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मोदी जी ने 7 साल उनकी सरकार को होने को है दोबारा भी चुन के आ गए, क्या मोदी जी ने अपना एक भी वायदा पूरा किया? ईमानदारी से बताना, हाथ उठा के बताओ, सच में बताओ, वायदा पूरा हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई वायदा पूरा। तो एक तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया और उन्हें सत्ता में बने हुए लगभग 7 साल हो गए, और एक तरफ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने जितने वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे पूरे किए और जो वायदे नहीं किए थे उन्होंने वो भी किए। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी। उन्होंने ये नहीं कहा था महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री कराएंगे, उन्होंने महिलाओं में बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम युवाओं के सपने पूरे करने के लिए जो बच्चे इंजीनियर डॉक्टर जज आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आजकल एग्जाम ऐसे होता है कि जो बच्चे कोचिंग लेते हैं केवल वो बच्चे पास होते हैं और जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है वो बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर बच्चा काबिल है, प्रतिभा है, स्कूल को टॉप कर रहा है, कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर ला रहा है और वो आईएएस बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके अंदर कूट कूट के प्रतिभा भरी है लेकिन उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उसके माँ बाप उस बच्चे की कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे प्रतिभाशाली गरीब परिवारों के बच्चों को क्या अपने सपनों को मार लेना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या उन बच्चों के सपनों को पूरे करने के लिए सरकार को सामने नहीं आना चाहिए? दिल्ली की सरकार ने जैसे मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के 15,000 बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग, तमाम तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग दिल्ली की सरकार एक बच्चे पे लाखों रुपया खर्च करके अपने पैसे पे उनको कोचिंग करा रही है। तो अगर दिल्ली की सरकार ऐसा कर सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती? अगर दिल्ली की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती?
अगर दिल्ली की सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बना सकती है, प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटा के सरकारी मार रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बना सकती? अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सकती है, तमाम इलाज फ्री हो सकता है, सारे टेस्ट फ्री हो सकते हैं, सारी दवाई फ्री हो सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की नहीं हो सकती? हो तो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसी नीयत चाहिए, उनका जैसा जीवन चाहिए, हो तो सकता है, लेकिन करने की नीयत चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या उसका 10% 2,40,00,000 है। उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़, दिल्ली की जनता 2,40,00,000। उत्तर प्रदेश का बजट 5,50,00,000 करोड़, दिल्ली का बजट 66,000 करोड़। उत्तर प्रदेश का शिक्षा का बजट 17,000 करोड़ और दिल्ली का भी शिक्षा का बजट लगभग 17,000 करोड़। तो बताइए अभी दिल्ली में तरक्की होगी या यूपी में होगी? यूपी में होगी या दिल्ली में होगी? बताइए, 17,000 करोड़ दिल्ली खर्च रहा है और 17,000 करोड़ यूपी खर्च रहा है। इससे नियत का पता चलता है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, जैसा भविष्य बच्चों का बनेगा वैसा ही भविष्य देश का बनेगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, यहाँ से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते, यहाँ पढ़ाई का वातावरण नहीं है, पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, तो यहाँ के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा और इसकी जिम्मेदार योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो सरकार अपने युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दे, वो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के भविष्य को अंधकार में डाल देगी, क्योंकि जैसे बच्चों का भविष्य होता है वैसे देश का भविष्य होता है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को अच्छे से समझ लिया, इसलिए उन्होंने अपने टोटल बजट का पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों के स्तर को इतना बेहतरीन बना दिया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल की शिक्षा के स्तर की चर्चा पूरे दुनिया के अंदर हो रही है, पूरे दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जो अपने टोटल बजट का 13% हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। तो अगर दिल्ली करती है, इसका मतलब हो तो सकता है, नीयत चाहिए। जो लोग कहते थे काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर साल 2 करोड़ों को रोजगार मिलेंगे, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, आठ साल होने के बाद भी वो मोदी जी कहाँ है? देश पूछ रहा है, मोदी जी कब तक अपने मन की बात करते रहोगे? कभी देश के लोगों के मन की बात करना भी शुरू करो, कभी सुनना शुरू करो। आपने देश को बर्बाद कर दिया है, देश के संसाधनों को बेच रहे हो, आप बैंक बेच रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, बंदरगाह बेच रहे हो, ओरिजिनल फैक्ट्री बेच रहे हो, और ये जो डिफेंस है उसमें जो एफडीआई जो विदेशी निवेश 48% तक सीमित होता था, आपने बढ़ा के उसको 74% कर दिया। आप लोग धीरे धीरे देश विक्रेता बन बैठे हो, आप देश विक्रेता बन बैठे हो। आपको देश के लोगों से प्यार नहीं है, आपको देश के बच्चों से मोहब्बत नहीं है, आपकी मोहब्बत अपने दोस्त अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों से है, जिनके पैसे के चंदे के बल पर आप अपना प्रचार करके प्रधानमंत्री बने हो, आप अपनी वफादारी केवल उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रति कर रही हो, इसलिए आप देश के संसाधनों को लगातार बेच रहे हो। वो बच्चा जो माँ बाप की कमाई हुई प्रॉपर्टी को बेच दे उसको कपूत कहते हैं। तो जो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? ये मुझे कहने और समझाने की जरूरत है। ये जो कृषि से संबंधित 3 काले कानून आए, बहुत से लोग कह रहे किसानों का मसला है, बीजेपी के लिए किसानों के लिए बनाया है। अरे भाई, जिन किसानों के लिए बनाने की बात कर रहे हो, वो किसान रोड पे इनके खिलाफ लड़ रहा है, उनका बच्चा सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती? जो किसान जिस कानून को चाहते नहीं, आप उन पर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? दूसरी बात, जब तक ये काले कानून का कच्चा मसौदा भी नहीं बना था, तब तक आपके मित्रों ने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना लिए थे,
पहले आपने फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्में, उनमें बड़े बड़े सेठ पूरे देश का गेहूं चावल वगैरह अपने गोडाउन में बंद कर लिया करते थे, काला बाजारी करते थे, उसके बाद ज्यादा दाम पे बेचा करते थे, लेकिन सरकार उन्हें उस वक्त काला सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।